हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किचन एंड क्रिएशन। चलो आज बनाते हैं ओरियो से बर्थडे केक। आप लोगों में से किस किस को ओरियो से केक बनाने का मन करता है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो यहाँ मैंने ओरियो के साथ साथ वावन बिस्किट भी ले लिया। ओरियो और वावन का जितना सारा टाइप्स मेरे पास अवेलेबल था मैंने सारा इकट्ठा कर लिया। अब क्या करना है, एक एक बिस्किट से इसका क्रीम को सेपरेट करनी है और बिस्किट को ग्राइंड करनी है। तो आप क्रीम को रख के भी ग्राइंड कर सकते हो, पर मैंने यहाँ पर क्रीम अलग किया क्योंकि बर्थडे केक के ऊपर जो क्रीम का लेयर बनेगा वो मैं इसी ही क्रीम से बनाऊँगी। तो यहाँ मैंने सारे बिस्किट्स को फाइनली ग्राइंड कर लिया। अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा बेकिंग सोडा, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर ऑप्शनल है, आप स्किप भी कर सकते हो। मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसमें ग्रेजुअली मिल्क ऐड करना। जब तक ये पोरिंग कंसिस्टेंसी वाला नहीं आ जाए तब तक इस मिक्सचर में आप ग्रेजुअली मिल्क ऐड करना। तो टोटल 20-25 बिस्किट्स के लिए मुझे अराउंड 400 ml मिल्क यूज़ करना पड़ा। अब देखो मिक्सचर का एक स्मूथ टेक्सचर आ गया है। अब मैंने क्या की, माइक्रोवेव प्रूफ प्लेट ली और उसके अंदर बटर ग्रीस करके इसके अंदर मैं केक का बैटर डाल दी। आपके पास अगर केक का मोल्ड होगा ना, केक बेक करने का मोल्ड, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। मेरे पास यही था और इसी में ही बन जाता है। तो फिर मैं बैटर को इवेनली डिस्ट्रीब्यूट कर ली प्लेट के अंदर। फिर इसको मैं 180 डिग्री सेंटीग्रेड में आधा घंटा के लिए बेक करने दिया। तो देखो ये केक बहुत अच्छे से ही बन गया है। मैं एक फोर्क से भी दिखाती हूँ, केक अंदर से थोड़ा सा भी कच्चा नहीं है, अच्छे से बेक हो गया है। अब बिस्किट से जो क्रीम को सेपरेट करके रखी थी ना, उसको पहले फोर्क की मदद से फिर हैंड मिक्सर की मदद से अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। और थोड़ा सा बटर और पानी ऐड करके करेंगे तो क्या होगा ना, ये मिक्सचर थोड़ा सा सॉफ्ट बनेगा और ब्लेंड करने में इजी रहेगा। केक के ऊपर स्प्रेड करने के लिए जो कंसिस्टेंसी चाहिए वो जब तक नहीं आ रहा है तब तक इसको ब्लेंड करना है। क्योंकि ये बर्थडे केक है और केक के ऊपर मुझे और ज़्यादा डिज़ाइन करनी थी, तो इसके लिए मैंने बोगाची का व्हीपिंग क्रीम मिक्स ली और इसके अंदर दो पैकेट रहता है, मैंने एक पैकेट पूरा यूज़ की और इसके साथ मैंने ग्रेजुअली पानी ऐड करते गई और हैंड मिक्सर की मदद से इसको अच्छे से ब्लेंड की। और जब तक इस क्रीम का स्प्रेडिंग करने का कंसिस्टेंसी नहीं आ जाए तब तक इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना। अब देखो ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसको मैं पाइपिंग बैग में भर लूँगी। बिस्किट का क्रीम से मैं जो क्रीम पहले तैयार करके रखी थी अब उसको एक स्पैचुला की मदद से केक के ऊपर इवनली स्प्रेड कर दूँगी। व्हीपिंग क्रीम से केक डेकोरेटिंग मैं पहली बार कर रही हूँ तो हो सकता है ये एकदम परफेक्ट नहीं बनेगा, बट आई ट्राइड माई बेस्ट। आप बताओ कमेंट्स में कि ये केक आपको कैसा लगा। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अभी मैं व्हीपिंग क्रीम से भी केक के ऊपर थोड़ा बहुत फ्लावर का डिज़ाइन भी कर दी और मेरे पास रेनबो स्प्रिंकल था बोगाची का ही, तो उसी से भी मैंने केक को और थोड़ा डेकोरेट कर ली। देख के इसको जितना ही ब्यूटीफुल लग रहा था खाने में भी उतना ही टेस्टी और यम्मी बनी थी ये। मैं तो एक केक बनाई थी अपनी सिस्टर की बर्थडे के लिए, क्या आप भी बनाओगे ना अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के लिए इतना इजी एंड क्विक बर्थडे केक। मैंने ना बाद में बची हुई ओरियो से इस केक को थोड़ा और डेकोरेट कर ली। आप भी अपने तरीके से इस केक को डेकोरेट कर लेना। अभी मैं इस केक को काट के दिखाती हूँ कि ये कितना सॉफ्ट और कितना यम्मी बनी थी। फिर से बता रही हूँ, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय।